रामपुर दड़ियाल, आपने वह कहावत तो सुनी होगी कि हंडिया का मुंह अगर खुला है तो बिल्ली को शर्म आनी चाहिए। ये कहावत यहाँ चरितार्थ हो रही है। मामला रामपुर क्षेत्र के कस्बा दड़ियाल का है, जहाँ इस वक्त पूरे भारत में लॉकडाउन लगा हुआ है और कोरोना वायरस की महामारी चल रही है। इसी को लेकर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी व उत्तर प्रदेश के सर्वप्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ तरह तरह की योजनाएं चलाकर अपने भारत के लोगों को वे सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश में है जो उनको मिलनी चाहिए। लेकिन हमारे देश की जनता को जरा भी ख्याल नहीं है कि सरकार ने अगर 3 माह के लिए हमें बिजली जलाने और उसका बिल 3 माह में जमा करने का जो फरमान जारी किए हैं उसको वह सही तरीके से इस्तेमाल कर ले। लेकिन हमारी सम्मानित जनता बिजली विभाग को चूना लगाते हुए अपने घरों में ज्यादा लोड डालकर बिजली की खपत कर रही है। इसी को लेकर आज कस्बा दड़ियाल के मेन बाजार में ज्यादा लोड पड़ जाने के कारण विद्युत ट्रांसफार्मर फूक गया। जब बिजली विभाग के कर्मचारी से वार्ता की गई तो उन्होंने बताया कि कैपेसिटी से ज्यादा लोड पड़ जाने के कारण ये ट्रांसफार्मर फूक गया है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद और अधिक पावर का ट्रांसफार्मर यहां लगाया जाएगा। क्या नाम है आपका? ये जो ट्रांसफार्मर में जो आग लगी ये किस कारण से लगी? ओवरलोडिंग से। इन पे लोड ज्यादा था? लोड अधिक है। अधिक है कि जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा? उससे ज्यादा लोड है। तो इसमें क्या अब ये जो ट्रांसफार्म रखे जा रहे हैं तो ये इसमें और बड़ी कैपेसिटी के रखे जा रहे हैं? नहीं, उसी कैपेसिटी के रखे हैं। तो इनका हमने सर्वे कर दे दिया करके, अब लॉकडाउन के बाद जो है 2 की जगह 250 केवी का ट्रांसफार्मर आएगा।